बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स के बारे में बताऊंगा, जो कि सऊदी अरब और कतर की जॉब्स हैं। अगर वो आपकी क्वालिफिकेशन DAE, BTEC, BSc, BSc या सिविल से रिलेटेड क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए आपने वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है। और वीडियो को अभी से लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज वगैरह इस चैनल पर मिलता रहेगा। इसलिए आपने चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सामने जो है वो सऊदी अरब की एक एडवर्टाइजमेंट ओपन है, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, स्ट्रक्चर इंजीनियर एंड इंस्पेक्टर, कंक्रीट स्टील मैकेनिकल इंजीनियर एंड इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड इंस्पेक्टर, इसके बाद एस्टिमेटर, प्लानिंग कॉस्ट एंड QS, ठीक है, सर्वेयर, इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस। तो ये जो है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है जॉब्स हैं, ठीक है। अप्लाई करने का तरीक़ाकार यहाँ पर भी काफ़ी सिंपल है, ठीक है। आपने सिंपली अपनी ईमेल, जो अपनी CV है वो नीचे, ये इनका ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने अपनी CV जो है वो मेल कर देनी है। और इसके लिए आपका एक्सपीरियंस जो है वो 10 साल से कम का नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ठीक है। तो अभी मैं आपको सेकेंड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताता हूँ, जो कि कतर की है। तो दोस्तों, ये मेरे सामने कतर की एडवर्टाइजमेंट ओपन है, ठीक है। यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड पोस्ट है वो सिविल साइट इंजीनियर, ठीक है। नंबर ऑफ पोजीशन 5 है, ठीक है। मिनिमम 5 ईयर ऑयल एंड गैस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद ये नीचे सिविल साइट सुपरवाइजर, इसके लिए भी 5 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम ऑयल एंड गैस का होना चाहिए, ठीक है। ये अप्लाई करने का तरीक़ाकार जो है वो सिंपली आपने ये नीचे ईमेल दी हुई है, इसके ऊपर आपने अपनी जो है वो CV जो है वो सेंड कर देनी है। तो अभी थर्ड एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने पेश करता हूँ। ये जो है मेरे सामने थर्ड एडवर्टाइजमेंट ओपन है, इसमें पोजीशन सिविल इंजीनियर, 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नीचे ये QC इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, साइट फॉरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, इन्वायरमेंटल इंजीनियर। इसके लिए अप्लाई करने का तरीक़ाकार भी वो काफ़ी जो है वो सिंपल है। आपने अपनी CV और जो आपके रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके आपने ये नीचे ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने सेंड कर देनी है। और जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, ये ईमेल के सब्जेक्ट में आपने उस पोजीशन का नाम वगैरह भी लिखना है। तो ये थी थर्ड एडवर्टाइजमेंट। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सामने फोर्थ एडवर्टाइजमेंट ओपन है, जो कि कतर की है, ठीक है। इसके लिए ये AutoCAD ऑपरेटर इनको सिंपली रिक्वायर है, मस्ट हैव एक्सपीरियंस, डिज़ाइनर रिक्वायर है, मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन SketchUp एंड AutoCAD, इन उसी इज़ मस्ट। तो एवरेज सैलरी जो इन्होंने बताई हुई है 4,500 बताई हुई है, ठीक है। कतरी जो है रियाल है उनमें इन्होंने ये पे वगैरह बताई हुई है। अप्लाई करने का तरीक़ाकार काफ़ी सिंपल है, सिंपली ये नीचे ईमेल दी हुई है, इसके ऊपर आपने अपनी CV जो है मेल कर देनी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।